देखिए लगातार आपने देखा होगा कोरोना महामारी के दौरान यहाँ पर दोहरे मानकों का उपयोग किया गया, एक विपक्ष के लिए, आम जनता के लिए और एक सत्तारूढ़ दल के लिए। लगातार हम लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब उसकी वानगी आप देखिए कि यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक भी आते हैं, यहाँ श्याम जाजू भी आते हैं, यहाँ शिव प्रकाश जी भी आते हैं, न वो सेल्फ क्वारंटीन होते हैं, न वो होम क्वारंटीन होते हैं, न वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होते हैं, यानी कि वो दिल्ली से आते हैं, बैठक अटेंड करते हैं और वापस दिल्ली उड़ जाते हैं। पता नहीं कितनों को वो संक्रमित कर जाते हैं। और आज तो एक नई खबर पता चली है कि बंसीधर भगत जी और उनके सुपुत्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब मैं बंसीधर भगत जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस के लोगों ने आपको संक्रमण दिया है, या जो मोदी जी के लिए आपके मुंह से बयानबाजी निकल गई थी, हाईकमान का आपको आदेश है कि आप 14 दिन घर के अंदर रहिए और अपने जुबान पर कंट्रोल करिए, अपनी बयानबाजियों पर चिंतन मंथन करिए, कहीं ये कारण तो नहीं है आपके क्वारंटीन होने का।